जलीकट्टू को लेकर तमिलनाडु में संग्राम तेज हो चुका है। पिछले चार दिनों से चेन्नई के मरीना बीच पर भारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं और आज तमिलनाडु बंद है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियां भी इस विरोध को पूरा समर्थन दे रही हैं। तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों और दिल्ली में भी विरोध चल रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर कम से कम एक हफ्ते तक जलीकट्टू पर फैसला नहीं देने का अनुरोध किया है। केंद्र ने कहा कि धार्मिक भावनाओं को लेकर राज्य में प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र की अर्जी पर राजी हो गया है कि एक हफ्ते तक इस मामले में फैसला नहीं दिया जाएगा। वहीं राज्य में बिगड़ते हालातों के मद्देनजर सीएम पन्नीर सेल्वम ने एक बड़ा ऐलान किया है। तमिलनाडु के सीएम पन्नीर सेल्वम ने कहा है कि राज्य सरकार इस बारे में जल्द ही अध्यादेश लाएगी। पन्नीर सेल्वम ने कहा कि इसका ड्राफ्ट गृह मंत्रालय के पास भेजा गया है। गृह मंत्रालय इसे राष्ट्रपति के पास भेजेगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे राज्य के राज्यपाल को भेजा जाएगा। वहीं सीएम ने लोगों से विरोध प्रदर्शन खत्म करने की भी अपील की है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जलीकट्टू का मामला है और पहले अदालत ने इस पर बैन लगा दिया था। मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से भी इनकार कर दिया था। जलीकट्टू को लेकर जंग जारी है और अब तो शतरंज के बादशाह ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, संगीतकार एआर रहमान जैसी अधिकाधिक जानी मानी हस्तियां भी समर्थन में उतर आई हैं। जलीकट्टू के समर्थन में एआर रहमान ने तो आज उपवास भी रखा है। देखते रहिए डीबी लाइव।